सलमान खान बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो आए दिन किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। सलमान खान अपने गुस्से के अलावा दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। सलमान के दुनिया भर में लाखों फैंस हैं और उनके फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिल्मों के अलावा उन्हें सलमान की शादी का भी काफी सालों से इंतजार है। सलमान का नाम अब तक कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, कई बार तो उनकी शादी की झूठी खबरें भी आई हैं। सलमान के फैंस इंतजार में हैं कि कब उनका चहेता हीरो शादी करेगा। लेकिन आज हम आपको सलमान खान के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसका खुलासा खुद सलमान खान ने किया है। एक टाइम में सलमान फिल्मों की वजह से कम और लव अफेयर्स की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहते थे। सलमान खान का अफेयर सोमी अली, संगीता बिजलानी, शाहीन बानो और ऐश्वर्या राय के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। संगीता बिजलानी के साथ तो सलमान खान की शादी के कार्ड भी छप गए थे, लेकिन ऐन मौके पर संगीता ने शादी के लिए मना कर दिया। इस बात का खुलासा खुद सलमान ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में किया। ये एपिसोड साल 2013 में टेलीकास्ट हुआ था। एक दौर ऐसा भी था जब संगीता बिजलानी और सलमान खान एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों की सगाई हो चुकी थी और शादी के कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन सोमी अली की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। दरअसल उस समय सलमान की लाइफ में सोमी अली आ गई थी और संगीता ने सलमान को उनसे दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन सलमान ऐसा नहीं कर सके और संगीता ने सगाई तोड़ दी। शो के दौरान करण ने सलमान से पूछा था कि वो शादी का सवाल सुनकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। इस पर सलमान ने कहा, जब सही समय आएगा तो मैं शादी कर लूंगा, बार बार एक ही सवाल किसी को भी परेशान कर सकता है। करण ने उनसे पूछा कि क्या वो शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। सलमान ने कहा, एक टाइम में मैं शादी के बहुत करीब पहुंच गया था, मैं सच में शादी करना चाहता था, संगीता के साथ तो कार्ड भी छप गए थे। बीच में करण ने टोकते हुए पूछा, बाद में उसने तुम्हें मना कर दिया या फिर किसी के साथ पकड़ लिया। इस पर सलमान ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने इन सब बातों से इनकार कर दिया, मैं उस समय जिस तरह का था उसके लायक भी नहीं था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।